अपनी 12 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के सदस्यों ने डीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया। प्रदर्शन कर रहे एसोसिएशन के सदस्यों का कहना था कि न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन करते हुए सभी के लिए लागू किए जाने, काम करने की समय सीमा निर्धारित किए जाने सहित 12 सूत्रीय मांग को लेकर सरकार को पूरा नहीं होने पर कर्मचारी उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के महामंत्री अखिलेश उपाध्याय ने कहा, लागू करो। काम के घंटे आठ करो। उत्तर प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से की तरफ से जो है 12 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। 12 सूत्री मांगों में मुख्य मांगे हमारी हैं मिनिमम वेजेस को लेकर, कि मिनिमम वेजेस हमारी 18,000 रुपए तय होनी चाहिए, मिनिमम पेंशन तय होना चाहिए जो कि 3,000 रुपए होना चाहिए, मिनिमम हम लोगों का जो है आज के डेट में घंटे तय नहीं है वर्किंग के। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा हादसे का बड़ा शिकार हो रहा है, घंटे का कोई रूपरेखा नहीं तैयार है। हमारी डिमांड है कि 8 घंटे वर्किंग तय होना चाहिए। सड़कों पे इतनी हादसाएं हो रही हैं, 12 बजे रात तक हमारे साथियों को काम करना पड़ता है, 1 बजे रात तक साथियों को काम करना पड़ता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बराबर हमारी मांगें चल रही हैं कि हमारे काम के घंटे तय होने चाहिए, हमारी काम की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए कि हमारे काम को किस बात के लिए सजा दी जाती है। हमारा जो है काम, जब हम काम करने निकलते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए निकलते हैं, लेकिन हमसे कहा जाता है माल ढोके पहुंचाओ, बिल लेके पेमेंट लेके आओ, जबकि यह हमारा काम नहीं होता है। तो इसलिए हम 12 सूत्री मांगों को लेकर इस प्रकार जो है आज सड़क पर उतरे हुए हैं और आज भी रहेंगे और कल भी हम रहेंगे। आगे नहीं मांगे पूरी होंगे। जिस तरह पिछली बार से हम लोग इस तरह हड़ताल पर उतरते आए हैं और भी जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी उस तरह हम सड़क पर उतरते रहेंगे। कमेटी गठन का मांग कर रहे हैं। कमेटी गठन तो हमारी ऑलरेडी है ही, लेकिन ट्रेड यूनियन को जो है 45 दिन पे जो है ये रिसिट्यू होना चाहिए जो कि नहीं हो पा रही है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी बराबर डिमांड बनी हुई है। श्रम आयुक्त से बराबर हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के तरफ से। सेल्फ प्रमोशन एम्प्लाई एक्ट जो कि 1976 में बना हुआ है उसको लेकर हम लोग बराबर श्रम कानून को दे रहे हैं, श्रम मंत्री महोदय को दे रहे हैं कि इसको लागू किया जाए। नियम बने हुए हैं लेकिन कोई किसी भी प्रकार का कोई लागू नहीं किया जाता है, नियम का पालन नहीं होता है। अखिलेश उपाध्याय, गोरखपुर यूनिट से सेक्रेटरी हूँ मैं।